हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पीज जॉब अड्डा। बहुत का कमेंट था कि मेडिकल कैसे होती है बिहार पुलिस का। मेरा एक दांत टूटा हुआ है, मेरा हाथ बचपन में टूट गया था, थोड़ा टेढ़ा है, तो क्या होगा? मेरे पास 6 फिंगर है, तो क्या मेडिकल में छांट दिया जाएगा? इसी टॉपिक पे मैं बारीकी से बात करने वाली हूँ, एक एक क्वेश्चन से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स से मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। खैर, अगर आपके एक दांत टूट हुई है तो मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी दांत टूट हुई है, हाँ, आगे का दांत टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप हंसोगे तो स्माइल वाला फेस कैसे दिखेगा पब्लिक को, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके आगे वाला दांत टूटा हुआ है तो आप लगा सकते हो, आप जाके लगा लेना। आई होप एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मैंने लाइव दिखा दिया प्रैक्टिकल के साथ। बात करें हम हाथ टूटने का, तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर में हाथ टूट गया था। ट्रेनिंग सेंटर में मेरा हाथ टूट गया तो मैं आंगन में कभी रात में कपड़ा उपड़ा नहीं धोती थी। मैं गांवर हूँ, पुलिस का एक वर्ड होता है गांवर, वो हूँ, और एकदम आलसी टाइप की। तो मैं रात में गई थी कपड़ा धोने के लिए, वो पीटी ड्रेस, मैं आंगन में फिसल के गिर गई थी। 1000 स्टूडेंट कैंडिडेट का पैरअप का आंगन में मैं गिर गई थी, जिसके वजह से मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। इस हाथ से मैं कुछ उठा नहीं सकती, लेकिन मेरा हाथ टेढ़ा नहीं हुआ है, मेरा हाथ टेढ़ा नहीं हुआ है। तो अगर आपका हैंड बचपन में टूट गया है तो आपको जवानी में इसका कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, कोई भी घटा नहीं लगेगा, इसलिए बेफिक्र रहिए। आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा बहुत है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें हम ऑपरेशन, आपका ऑपरेशन हुआ है तो क्या आपको छांट दिया जाएगा बिहार पुलिस में? तो नहीं छांटा जाएगा। ऑपरेशन है, ऑपरेशन से क्या मैटर करता है? आप दौड़ के आए हैं, आप फिजिकल पास किए हैं, और हाँ देखो यार, बीपी आपकी सही रहनी चाहिए। मेरा तो घूम रहिया, मेरा तो वहाँ पोस्टिंग थी इससे पहले, मेरा तो वहाँ बीपी लोवे रहती थी। अभी तो मैं चेक कराई नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ठीक लगता है तो मैं नहीं चेक कराई हूँ। बीपी आपकी सही होनी चाहिए, आँख सही होनी चाहिए। देखिए, पुलिस दुरुस्त रहेगा तब तो पब्लिक का सुरक्षा करेगा ना, पुलिस दुरुस्त रहेगी तब तो पब्लिक का सुरक्षा करेगी ना, बताइए। तो इसीलिए आपका बीपी सही रहना चाहिए, आपका आँख सही रहना चाहिए, आपका बॉडी स्वस्थ रहना चाहिए। और मेडिकल में ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, जब आप रिटन पास कर लोगे, जब आप फिजिकल पास कर लोगे ना, तो आपको मतलब मेडिकल कोई निकाल ही नहीं सकता है। हाँ, री मेडिकल दे देता है, ये मत सोचना कि मेडिकल में नहीं फंसता है कहीं भी। री मेडिकल दे दिया जाता है, फिर से उसकी बॉडी का वेरिफिकेशन होता है, जाँच होती है डॉक्टर के द्वारा, तो फिर वो सब हो जाती है। लेकिन आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है, नहीं छाँट सकता है, लेकिन री मेडिकल दे दी जाती है। तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप सपोज को एच आई वी है किसी को, ब्लड चेक होता है, इसलिए हर पुलिस का जब आप फिजिकल करके आओगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका वेट मेजरमेंट होगा, फिर से फिर हाइट मेजरमेंट होती है एस पी सर के सामने, आपके जिला में जिस जिला में आपका पोस्टिंग होगा उस जिला के एस पी सर के सामने आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा। और वेट में तो लड़कियाँ छटती ही हैं, वेट में खास ख्याल रखना। और मेडिकल जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका ब्लड लेगा, यूरिन लेगा, ब्लड यूरिन 8 दिन के बाद आपका जब आएगा। अगर किसी की एच आई वी है तो भाई नहीं ना ले सकता है, किसी को कैंसर है। और ब्लड चेक इसलिए भी होता है कि कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई पुलिस परिवार में किसी को दिक्कत होती है तो सबका सैंपल रखा हुआ रहता है, तो उसे कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे देने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन हाँ, अब ये बड़ा बड़ा बीमारी वाले को भर्ती कर लेंगे सरकार, तो फिर पता चला कि तो मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं मुझे कमेंट्स करेंगे, आप बस रिटेन निकालिए, फिजिकल निकालिए, मेरिट में नाम ले आइए, बस आपका एक सीट आपका नाम हो जाएगा। और फिजिकल पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, फिजिकल आपको कैसे करना है, बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है,
जिसका पढ़ाई अच्छा है वो क्या फिजिकल कर सकते हैं, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोग नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, नहीं देखी हो तो जाकर के एक बार देखिए वीडियो को, और मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आती हूँ जो वीडियो आपके काम का हो। हाँ भले मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ क्योंकि मेरा एक आदत हो गया है, रोज़ मैं वीडियो डालती हूँ, रोज़ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन वीडियो में बकवास से बातें नहीं रहती हैं। शाम 6 या 8 के बीच में मेरा लाइव क्लास रहता है, तो आप लाइव क्लास जो ये 10 क्वेश्चन मेरा दूसरा दिन था, कल थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रही थी, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक पहले मैंने ही बोल दिया था जो मेरी से गलती हो तो सॉरी, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे लाइव, 10 क्वेश्चंस बताती हूँ, एकदम एक्चुअल क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अरे इजी क्वेश्चंस ना स्टूडेंट करके नहीं जाते हैं, और इजी क्वेश्चंस भी गलत करके आते हैं। अच्छा बताना मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, तो मेडिकल का आप टेंशन ही नहीं लीजिए, लेकिन हल्के में भी मत लीजिएगा, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब तक मेरा लास्ट सलेक्शन ना हो जाए, फाइनल सलेक्शन ना हो जाए, पता है जब मेरा मेरिट में नाम आया था तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। और कट ऑफ का बात करें ना, तो ये सब मैं फिजिकल वाले वीडियो में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो आएगी फिजिकल में, आपको फिजिकल कैसे करना, मेरा फिजिकल में कितना मार्क्स था, ओबीसी का, ओबीसी लड़की का क्या जनरल लड़की से ज़्यादा चलता है कट ऑफ, ये सारे टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, उस वीडियो को भी देख लेना। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 लाख का टारगेट था 1 साल में, लेकिन नहीं हुआ, 1 जुलाई को ही मेरे चैनल का 1 साल हो गया। पर कोई बात नहीं, मैं मेहनत करती रहूँगी, मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हार जाती है किस्मत, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं भी एक दिन आप लोग के सामने ज़बरदस्त रूप में आऊँगी। काफ़ी लंबा हो गई वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना। और मेडिकल का टेंशन नहीं लेना है, बस आपको रिटर्न का टेंशन लेना है, फिजिकल का टेंशन लेना है, ठीक है। एक बार सारा एग्जाम निकल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा।